अभी हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मोहित सूरी की बहन स्माइली सूरी ने हमारी टीम से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान स्माइली सूरी ने बताया कि उन्होंने आखिर पोल डांस की शुरुआत कैसे की, तो वहीं उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में भी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं हमेशा डांसर थी। कलयुग करने से पहले और भट्ट साहब और मोहित को असिस्ट करने से पहले मैं श्यामक के साथ डांसर थी बचपन में। मेरी मम्मी की डेथ के बाद मेरी नानी ने मुझे श्यामक में डाला। जब श्यामक ने शुरुआत की थी तो मैं उनके साथ टीचर बनी। 16 साल की उम्र में मैं बच्चों को सिखा रही थी, उनके साथ ट्रैवल कर रही थी। कोई बुरी कंपनी में नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि मैं डांस कर रही थी, तो डांस ने हमेशा मुझे बचाया है। उसके बाद मैंने सालसा सीखा, संदीप सोपारकर के साथ बॉलरूम सीखा और काफ़ी डांस फॉर्म सीखे। एरियल आर्ट्स मैं कर रही थी, मलखम कर रही थी उदय देशपांडे के साथ। लेकिन कुछ कमी सी महसूस होती थी, कुछ ऐसा लगता था कि मैंने एक चैनल भी शुरू करना था डांस के ऊपर, क्योंकि डांस ने हमेशा मुझे बचाया है। चाहे वो मेरी मम्मी की डेथ के बाद या पापा की डेथ के बाद या हर चीज़ के बाद। और मैं बचपन से ना डिसलेक्सिक थी। जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी, तो मैं तारे ज़मीन पर थी। मुझे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में अभी भी, इसलिए मैं रिंग्स पहनती हूँ कि राइट पता चले लेफ्ट पता चले। मैं अभी भी अपनी उंगलियों पे गिनती हूँ। तो डांस ने, एक टीचर ने मेरी नानी को बोला था कि इस लड़की को डांस में ज़रूर डालना क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन राइट लेफ्ट सब ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर भी खालीपन महसूस करती थी। और पापा की डेथ के बाद तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है। मतलब सालों का जो बिल्ट अप डिप्रेशन था मम्मी की डेथ के बाद, नानी की डेथ के बाद, पापा की डेथ के बाद, वो एक साथ अंदर जैसे चल रहा था। मैं सिर्फ भाग रही थी। तो एक दिन मैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुई और नुसरत खान जो है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमरान खान की मम्मी, उन्होंने ये मुझ में देखा और उन्होंने कहा तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद साइकियाट्रिस्ट है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अमित कुलकर्णी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि पता है तुमने बचपन से सब चीज़ें अंदर रखी है, तो ये जैसे तुम निकाल नहीं रही हो। तुम बॉडी में निकाल लेती हो डांस और एक्सरसाइज करके, लेकिन मेंटली तुम उस वो 8 साल की लड़की ही हो जो बड़ी नहीं हुई। इस बात का भी डिप्रेशन था कि बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया, थेरेपी दी। और उसी दौरान मैं दुबई गई थी, पता नहीं कोई हॉलिडे के लिए, एरियल आर्ट्स लर्न करने के लिए, एरियल सिल्क। और उस दिन, पता नहीं है आप भगवान की देन बोलो या क्या बोलो, एरियल टीचर नहीं आई और एक पोल टीचर अंदर आ गई। तो उन्होंने कहा मैं आपको पोल सिखाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो कभी किया नहीं है। तो उन्होंने पोल क्लास मुझे दी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा मकसद, ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। क्योंकि पोल में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमन। पोल डांसिंग मुझे पता है क्योंकि स्ट्रिप बार्स और ये सब के वजह से बहुत बदनाम है, लेकिन एक्चुअली वुमेन के लिए और सब के लिए, अगर आप याद रखो हम जब इतिहास में, और व्हेन वी वर केव मैन, व्हेन वी वर मंकीज, हम लोग क्लाइम करते थे। तो क्लाइंबिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। पोल पे डांस करना, पोल अभी एक स्पोर्ट है ओलंपिक्स में। तो सिर्फ ट्रिक्स नहीं होते, मतलब ट्रिक्स होते हैं लेकिन उसमें डांस भी होता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। जो आई फील, इसलिए मैं बच्चों की क्लास भी शुरू कर रही हूँ। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, डिसलेक्सिया, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हर चीज़ के लिए पोल इज़ द सोल्यूशन। थायरॉयड, पीसीओडी, मुझे खुद थायरॉयड है, पीसीओडी था जो चला गया पोल के वजह से। मैं अपने पोल को अपना त्रिशूल मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ये पोल रेवोल्यूशन औरतों के लिए, मैं चाहे कल हूँ या ना हूँ, हर लड़की पोल करे, क्योंकि उसमें इतनी फिटनेस है और इतना एम्पावरमेंट है। एंड इट इज़ सो, इट मेक्स यू फील सो गुड, सो स्ट्रॉन्ग। और पोल में योगा है। जब मैंने अब्रॉड ट्रेनिंग की, मैंने देखा यार ये तो योगा कर रहे हैं,
ये तो हमारा है, और तो मैं अपने वार्म अप्स योगा के रखती हूँ, और 3 महीने में मेरे पास 16 साल की लड़कियाँ आती हैं और 60 साल की औरतें भी आती हैं। 3 महीने में वो अपने हेड स्टैंड कर सकती है, शोल्डर स्टैंड कर सकती है, पोल क्लाइंब कर सकती है, और वो खुद इतनी बदलती हैं। तो मेरा पोल स्टार जो स्कूल है, पोल स्टार इंडिया का मकसद यही है, इफ़ आई कैन यू कैन।